आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को अपने उस वीडियो का बचाव किया जिसमें वह हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि बिहार के नेता नवरात्रि के दौरान मांसाहारी खाना खा रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो गई है और 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्योहार में 9 देवियों की पूजा की जाती है। साथ ही कई श्रद्धालु इस दौरान व्रत भी रखते हैं और सात्विक आहार का सेवन करते हैं। इस ओर इशारा करते हुए कई इंटरनेट यूजर ने हिंदुओं को भड़काने की कोशिश करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री की आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने इस पर खुद का बचाव करते हुए बताया है कि उनके पोस्ट में उल्लेख किया गया है कि वीडियो 8 अप्रैल का है जो कि नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले का है। उन्होंने कहा कि हमने इस वीडियो को बीजेपी और गोदी मीडिया के फॉलोअर्स का टेस्ट लेने के लिए शेयर किया था और हम सही भी साबित हुए हैं। ट्वीट में वीडियो किस दिन का है इसकी जानकारी भी दी गई है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि फॉलोअर्स ने क्या किया है। या जो लोग सवाल उठा रहे हैं कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है, आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ट्रोलिंग उस वक्त शुरू हुई जब आरजेडी नेता ने बीती रात हेलीकॉप्टर में पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के साथ खाना खाते हुए एक वीडियो शेयर किया था। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि चुनाव की हलचल के बीच हेलीकॉप्टर में खाना, दिनांक 8/4/2024। तेजस्वी यादव ने वीडियो में बताया है कि हेक्टिक चुनावी कैंपेन के बीच उन्हें खाना खाने के लिए केवल 10 से 15 मिनट का समय ही मिल पाता था जिसमें फिश और रोटी थी। इस वजह से नवरात्रि के दौरान मांसाहारी खाने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। यहां तक कि भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने आज सुबह पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव को मौसमी सनातनी करार दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव एक मौसमी सनातनी है जो तुष्टिकरण को ध्यान में रखकर सारे काम करते हैं। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टिकरण के पोषक हैं। कई लोग चाहे वे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी घुसपैठिए तब यहां आए जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे। वे सनातन का मुखौटा पहनकर तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं।